बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गाइस हम आपके लिए चटपट मटन गोश्त कढ़ाई जो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है चटपट मटन कढ़ाई। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। पहले आपने कुकिंग ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ी सी चॉप करके प्याज डाली, प्याज डालें, उसको अच्छा सा ब्राउन होने दें। जैसे ही वो ब्राउन हो जाए और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। ये देखें आप सुनहरी कलर आ गया है, अदरक लहसुन का हमने 2 चम्मच पेस्ट डाला है। अब ये देखें इसको सब थोड़ी देर इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम आधा किलो गोश्त मटन का लेंगे जो बॉईल किया हुआ है हमने पहले से, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, मसाले के साथ ये जज्ब हो जाए, भुनाई हो जाए, जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर ये एक प्याली हमने टमाटर का पेस्ट लिया है, टमाटर का पेस्ट जो लेके हमने इसको पेस्ट बना लिया था वो इसमें डाला है। आप ये देखें इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे ताकि टमाटर का जो पानी का पेस्ट है, पानीपन जो है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ऑयल उसका सामने आ जाए। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, इसको भुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई होती है। ये देखें हमारे पास मसालों में पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया दरदरा किया हुआ, नमक और चाट गरम मसाला। अभी देखें इसमें पानी छोड़ना ख़त्म कर, पानी ख़त्म हो गया है मसाले में। अब मसाले में हम ये डालेंगे, मसाले डालेंगे कढ़ाई में। इसमें नमक, ये देख सकते हैं नमक, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च, ये सब को एक साथ हम मिक्स करके डाल रहे हैं। ये एक साथ हमने सब डाल दिए, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। आप ये देखें इसको 5 से 7 मिनट तक तकरीबन इसको भुनाई करें अच्छी तरीके से, जिसका कलर आ जाए। जब जैसे ही कलर आता है ही इसके ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी, ऑयल जैसे छूट जाए आना शुरू हो जाए तो आप समझें आपकी कढ़ाई तैयार है। हमने इसमें अपने पास 5 अदद हरी मिर्चें, अदरक कटी हुई ली है, चॉप की हुई अदरक और 5 हरी मिर्चें ली हैं। ये 2 से 3 अफराद के लिए बहुत है आधा किलो मटन कढ़ाई। अब ये देखें मसाला पूरा तैयार हो चुका है, मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, ऑयल छोड़ चुकी है अपना। अब ये देखें हमने इसे गार्निश के लिए तैयार कर दिया है। आप ये देख सकते हैं गार्निश के लिए तैयार, गार्निश हमने करके इसको रेडी है। आप खाएं और एक बार ज़रूर कमेंट्स में बताएं कैसी बनी, खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं। ये देखें ये कढ़ाई तैयार है, आप खुद खा के एक बार बनाकर खा के चेक करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। और हमने इसके साथ खीरा काटा है सैलड में, वीडियो पसंद आया करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा हमें इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।